नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं पुलिस लाइन के रविंद्रालय में और आज यहां पर एक फ्लैग मेकिंग का कंपटीशन रखा गया है। पुलिस लाइन के सभी बच्चों ने आज यहां पर पार्टिसिपेट किया है। यहां के आज के मुख्य अतिथि ADG जोन की धर्मपत्नी सुधा राजबा, बरेली SSP की धर्मपत्नी डॉक्टर राजी सत्यार्थ मौजूद रहीं, जिसका शुभारम्भ दीप प्रज्वलन कर किया गया। पूरी जानकारी देते हुए बताया, आइए दिखाते हैं हम आपको इस खास रिपोर्ट में। ये फैन ऑफ करवाइए ऊपर का। किस उपलक्ष्य में है, किस तरह से ये प्रतियोगिता की जा रही है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस बार स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी उपलक्ष में पुलिस परिवार के द्वारा पूरा एक सप्ताह मनाया जा रहा है आज़ादी के कार्यक्रम, जो 11 अगस्त से शुरू होकर 17 तारीख आज उसका समापन होगा। पूरे एक सप्ताह तक पुलिस अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उसी क्रम में पुलिस लाइंस के बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए, उन्होंने एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनके हुनर को बाहर लाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। और उसी क्रम में आज झंडा निर्माण प्रतियोगिता कराई गई है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे अपने तिरंगे से और जुड़ सकें। उसके अतिरिक्त देशभक्ति के गान, देशभक्ति के गीत बच्चे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे वो और अपनी जड़ों से जुड़ सकें और अपने देश के लिए और जिम्मेदारी महसूस कर सकें। धन्यवाद। इसके लिए ओवरऑल यूपी में आया हुआ है, जिसमें हम आज के दिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे PMS के और हमारे जो घरैया लाइन के बच्चे हैं, हमारे पुलिस परिवार के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए रखा गया है। उन लोगों को एक कंपटीशन कराया जा रहा है फ्लैग मेकिंग का, जो कि इनको पेपर से फ्लैग मेकिंग करना है और प्लस इनको देशभक्ति में के गीत और पोएम्स वगैरह के कंपटीशन के लिए रखा गया है। आजकल अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभक्ति के प्रोग्राम, तिरंगा यात्रा, इससे तो क्या ये प्रोग्राम जो है बच्चों की तिरंगा प्रतियोगिता है, किस तरह से क्या किया जाता है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सही पूछा है। हम लोगों ने तिरंगा यात्रा बच्चों से, पूरे हमारे PMS के बच्चे एंड हमारे घरैया लाइन के बच्चे, प्लस हम सारी ऑफिसर्स लेडीज़ एंड हमारे टीचर्स, सभी लोगों ने मिल करके 15 अगस्त को हम लोगों ने पूरा फ्लैग मार्च किया है, जो हम लोगों ने हमारे जो पुलिस मॉडर्न स्कूल है वहाँ से शुरू किया और वहाँ से ले करके हम लोग अपने शहीद स्मारक तक गए। वहाँ पे हमने उसको शहीद स्मारक में अपनी स्मृति और अपने अपने अभिनंदन करते हुए उसको समाप्त किया।